कोई एक लड़की को प्रपोज करूं और वो एज ए गर्लफ्रेंड मेरे को मिले। तो गाइस आज रक्षाबंधन को लेकर मैं बहुत ही स्पेशल वीडियो बनाने आया हूं सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। और ये वीडियो बनाने के लिए मैं आया हूं, जो आप जगह देख रहे हो ये मरीन ड्राइव है, जो कि मुंबई में बहुत ही फेमस जगह है। और ये वीडियो थोड़ा सा मेरे लिए चैलेंजिंग है। चैलेंजिंग ये है कि मैं यहाँ पे किसी भी लड़की को, रेंडम लड़की को प्रपोज करने वाला हूँ और दो ऑप्शन देने वाला हूँ, या तो आप मेरी गर्लफ्रेंड बनो या फिर आप मेरी सिस्टर बनो। अगर वो गर्लफ्रेंड बनती है तो मैं उसे ये गुलाब का फूल और ये चॉकलेट देने वाला हूँ, और अगर वो गर्लफ्रेंड नहीं बनती है, सिस्टर बनती है, तो फिर मैं ये रक्षाबंधन को लेकर मैं राखी बंधवाऊँगा उससे अपने कलाई पर। तो चलिए और देखते हैं कि कौन सा लड़की मिलती है, गर्लफ्रेंड मिलती है या फिर सिस्टर मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अभी चल रहे हैं और पास में ही है, तो क्या नाचो भाई? तो देखते हैं कि क्या रिएक्शन होता है और क्या चीज होती है। हाय एक्सक्यूज मी, मैंने बहुत ही प्यारा प्रपोजल लेकर आया था। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का, ये अश्लील है ये लोंडा। उस प्रपोजल में एक ऑप्शन है जो आप एक्सेप्ट कर सकते हो, पहले आप सुन लीजिए उसके बाद। लो मान लिया हमने है प्यार नहीं तुमको, कट कर देना प्लीज। तो गाइस यहाँ पे शायद ये अनकंफर्टेबल होते हैं और फिर एक लड़की को प्रपोज करते, देखते हैं क्या सीन बनता है। सो लेट्स गो। अरे यार वो तो चली गई चली गई चली गई चली गई, मेरे को डोट है सामने उसका बाप। गाइज अभी चलिए और मैं एक और प्रपोजल मारता हूँ और देखता हूँ कि क्या रिएक्शन आता है। तो आप देख सकते हो मेरे सामने तीन लड़कियाँ हैं और मैं रिएक्शन नोट करना चाहूँगा। एक्सक्यूज मी, हेलो, हाय, क्या नाम है आपका? मैं प्रपोजल लेकर आया हूँ आपके पास, हालांकि मैं उनको प्रपोज करना चाहता था, बट कोई नहीं, अभी मैं आपको प्रपोज करूँगा। आप पार्टी बदल लिया साला, तो क्योंकि उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया और वो शायद कंफर्टेबल नहीं इसके लिए। जी। अच्छा, और पहले मेरी प्रपोजल आप सुन लीजिए। मैं तुम जब ऐसे शर्माती हो, सुनोगे आप? मेरी प्रपोजल ये है कि मैं गर्लफ्रेंड ढूंढ रहा हूँ और अगर जो मेरी गर्लफ्रेंड बनेगी उसको मैं ये गुलाब के फूल और चॉकलेट देने वाला हूँ, और दूसरा ऑप्शन भी हमारे पास है, अगर आप सिस्टर बनना चाहते हो तो हमारे हाथ में राखी भी है, आप हमारे कलाई पे बांध सकती हो। तो आप क्या चुनना पसंद करोगे? जी राखी। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। बिकॉज़ आई डोंट हैव एनी, मुझे मेरा भाई नहीं है अभी रिसेंटली, तो मैं राखी चॉइस करूंगी। ओके, आई एम सॉरी कि आपका भाई का जो भी हुआ है, तो मैं राखी एक्सेप्ट करता हूं। थैंक यू सो मच। और मैं आपका प्यारा भाई बन के आऊंगा, सुनकर थोड़ा बुरा लगा, बट घर से चीट करके आप नहीं आओगे, क्योंकि एक भाई होने के नाते अब हमारी जिम्मेदारी हो गई है कि आपकी रक्षा करूं। तो जब भी कहीं भी बाहर जाओ आप मम्मी पापा को बोल के जाओगे या घर वाले को बोल के कहीं। थैंक यू। आप राखी बांधे हो तो मुंह तो मीठा कराओगे? चलो मैं ही करा देता हूँ, ये लीजिए मेरे तरफ से। थैंक यू सो मच। अच्छा मैं, अरे रेट आपके लिए, आपके लिए ही है। नहीं नहीं काकी जाओ, काकी नहीं, नहीं ये आपके लिए। अरे नहीं नहीं, आप भाई बने हो तो ऑफ कोर्स भाई, भाई का मुंह मीठा होना चाहिए। नो 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 नो, भाई का मुंह, अब भाई बने हो तो फिर। अरे थैंक यू थैंक यू। तो गाइस ये रिएक्शन रहा और मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगा है कि उनके जो ब्रदर थे वो एक्सपायर कर गए, बट कोई नहीं, आज से हम उनके भाई हैं। चलिए आगे ढूंढते हैं आपके भाभी। तो गाय ढूंढ तो रहा हूँ लेकिन कोई मिल नहीं रही। कोशिश जारी है। क्या लगता है कोई मिलेगी? तो गाय एक और लड़की मुझे दिख है और चलिए मैं प्रपोज मारता हूँ और देखता हूँ कि क्या सीन बनता है। आ जाओ,
एक्सक्यूज मी, मुझे बात करनी है आपसे। क्या नाम है आपका? पायल। मेरे पास प्रपोजल है। प्रपोजल ये है कि अगर आप मेरी गर्लफ्रेंड बनती हो तो आपको ये गुलाब के फूल और डेरी मिल्क मिलेंगे, और अगर नहीं बनना है तो आप सिस्टर बन सकती हो। हमारे दूसरे हाथ में राखी है तो ये बांध सकती हो। तो क्या बनना पसंद करोगे? टूटे रीजन क्यों मेरे को नहीं बनाना बॉयफ्रेंड, इसलिए मैं सिस्टर भाई बना सकती। तू क्या बोल रही है? चुप चुप हो जा सातवीं फेल, चुप। एक शब्द ये क्या बात हो गया? हम इतना मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, इधर से उधर घूम रहे हैं, इतने में आप दिखे हो और आपने रिजेक्ट कर दिया। भाई एक ही है मेरा, एक और भाई बन जाएगा आपको राखी बांध दिया दिल पर। तू जो हंस हंस के सनम मुझसे बात करती है। चलो कोई बात नहीं, आप राखी बांध लो। इतने राखी बन चुके हैं, बताओ। ये सारे आपके फ्रेंड है? यस। चलो अभी तो बहन बन गई, अब राखी बांध दियो तो मुंह तो मीठा कराना बनता है। yes. तो मीठा कराओ। कहाँ कहाँ से मिठाई लाएंगे? मैं लेकर आया, रैंडम आया। मैं लेकर आया, ये लीजिए मेरे तरफ से चॉकलेट और मुंह मीठा के लिए। अच्छा ओके, थैंक यू, अच्छा लगा मिलके। तो गाइस यहाँ पे भी हो गया पोपट और इन्होंने भी भाई बना दिया, बट कोई बात नहीं, हम कोशिश जारी रखेंगे, आगे बढ़ते हैं। तो गाइज अभी हम एक ऐसी लड़की को प्रपोज करने जा रहे हैं जिसे दोस्तों ने बोला मत मारो, लेकिन फिर भी हमने बोला कि यार कोई मिल नहीं रहे तो कम से कम वही तो मिल जाए। अच्छा, हमको सिखा रही है? तो चलो मैं आप सबको दिखाता हूँ, आ जाओ। एक्सक्यूज मी, आपका नाम क्या है? सेजल। सेजल। कि कोई एक लड़की तो प्रपोज करूं और वो एज ए गर्लफ्रेंड मेरे को मिले, बट अभी तक मिली नहीं है, लेकिन मुझे आपको देखकर कुछ उम्मीदें जागी। तुझे देखा तो ये शायद कुछ हो सकता है। तो पहले प्रपोजल आप सुन लो, एक हाथ में मेरे गुलाब के फूल है और कैडबरी है, डेरी मिल्क है, सॉरी। मैं माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। और दूसरे हाथ में राखी है, अगर आप गर्लफ्रेंड नहीं बनती हो तो दूसरे हाथ में हमारे राखी है, तो आप राखी बांध सकती हो। तो आप क्या चुनना पसंद करोगे? राखी। क्यों? बॉयफ्रेंड है मेरा। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। अरे यार दिल तोड़ दिया, एक तो इतने टाइम से मैं घूम रहा हूँ कि अब कोई तो मिल जाए, आपने भी दिल तोड़ दिया। चलो कोई नहीं, आप राखी बांध लो। कितने सारे ने भाई बना दिया, लेकिन प्यार अभी तक नहीं मिला है। मिल जाएगा। वो लड़की नहीं जिंदगी है। हाँ सबने यही बोला मिल जाएगा, पर देखते हैं कब तक मिलेगा। तो राखी तो बांध दिया आपने, बट मिठाई तो खिलाई नहीं। मिठाई लेके थोड़ी घूम रही हूँ मैं। ये गलत बात है, चलो फिर मैं आपको मिठाई खिलाता हूँ, ये लीजिए मेरे तरफ से चॉकलेट। थैंक यू सो मच। तो गाइस यहाँ पे भी पोपट हो गया, भाई बना दी। कोई बात नहीं, आगे ट्राई करते हैं, हम ट्राई करना बंद नहीं करेंगे। ये लेके भाग जाओ क्या? मैंने आपको भाग जाओ।
मरते दम तक साथ निभाए, बंध के रक्षा बंधन से। तुझे देखा तो ये जाना सनम, इसे समझो ना रेशम का तार भैया, मेरी राखी का मतलब है प्यार भैया। गाइस यहाँ भी रिजेक्शन मिल चुका है और ये हमारे सिस्टर बन चुकी है, बट इसके कंप्लेन मैं अभी घर पे करने वाला हूँ मम्मी से। तो गाइस चलिए एक और लड़की को प्रपोज करते हैं और देखते हैं क्या सीन बनती है, तो लेट्स गो। आपके पास दो ऑप्शन है, अगर आप हमारे प्रपोजल एक्सेप्ट करते हैं तो हमारे पास दो प्रपोजल है, अगर आप बहना नहीं यादों से बांधा जज्बा ये अपने रिश्ते का रिश्ता ये अपना रब की रुबाई। तो गाइस काफी ज्यादा यहाँ पे परिश्रम किया हमने, हालांकि स्टार्टिंग पीरियड में जो वीडियो का क्वालिटी था वो बिल्कुल ख़राब थे और मैंने उस पर म्यूजिक लगा के चलाया है, बट वो काफ़ी अच्छा वीडियो निकला था हमारा और मैं काफ़ी हैप्पी था, बट टेक्निकल इशू था। चलिए मैं आगे कंटिन्यू गिरगांव चौपाटी पे चलते हैं और वहाँ पे कुछ लड़कियों को प्रपोज करते हैं और देखते हैं क्या सीन बनता है। गाइज आज काफ़ी ज़्यादा हमने मेहनत किया और सक्सेस नहीं मिली, लास्ट में हमारे हाथ में ये गुलाब का फूल और डेयरी मिल्क का ये बड़ी सी जो चॉकलेट आती है वो हमारे पास में रह गया, कोई गर्लफ्रेंड नहीं मिली और ये हाथ में आप देख सकते हो कितने सारे राखियां बन चुकी है। तो आज के डेट में मुझे लगता है कि लड़कियों को बॉयफ्रेंड से ज़्यादा भाई की ज़रूरत है और जिसने मुझे भाई के रूप में इतने सारे लड़कियों ने चुना है
तो शायद मैं ये डिजर्व करता था या आई डोंट नो क्या है, बट यही मिला है। दिल तो टूटा है बट कोई नहीं, काफ़ी मेहनत किया और सारे रिएक्शन आपको दिखाया। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में। और ये जो चॉकलेट और फूल है वो मैं अपने टीम मेंबर को देना चाहता हूँ, तो एक्सेप्ट कीजिए। थैंक यू सो मच, क्योंकि आप ही मेरे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो बोलो वो सारे हो। थैंक यू सो मच। तो चलिए लेकर चलते हैं हम लोग और इंजॉय करते हैं। को शेट ठोक दीजिए, महाकाल का शेट ठोक दीजिए, 5,000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4,000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा।